काले धन के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई की, इसको सरकार पाती है और इसलिए तमाम तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश देश के अंदर की। और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ कि विपक्ष के षड्यंत्र में देश की जनता उनके साथ नहीं थी। देश की जनता ने सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया। लोग लाइन में लगे थे, परेशान थे, निश्चित रूप से परेशानी थी लोगों को, थोड़ी बहुत आज भी है, परंतु उसके बाद भी देश हित में जनता सरकार के साथ में है। और इसलिए विपक्ष से ये कहना है कि ये निर्णय गरीब के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बैंकों से लोगों को कर्जा मिल जाए, बैंकों के ब्याज की दरें कम हो जाएँ, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, इसके लिए देश की सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसलिए विपक्ष इसमें सहयोग करें। सर, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया इतने समय, क्या लगता है सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है वो विकास से उनका कोई नाता नहीं है, वो अनर्गल मुद्दे उठाकर कोशिश करते हैं लोगों को गुमराह करने का, परंतु मेरा विपक्ष से आग्रह है कि इस तरह के मुद्दे ना उठाएं। जो विकास के मुद्दे हैं, बाकी विकास के विषय हैं, इन पर बात करें, किसानों की समस्याओं पर बात करें, युवाओं की समस्याओं पर बात करें, सड़क बिजली की बात करें, इस पर सरकार से जो अपेक्षा उनकी वो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मुद्दे जो उठा रही है वो विकास से परे है, ये साफ तौर पर आरोप यहाँ पर गृहमंत्री मध्य प्रदेश ने उठाया है। कैमरामैन अनमोल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।